स्टूडेंट्स सो इदा अब नम्बर बोर्डु सो इदिल पाथींगा अप्डिना रेंडु स्टार्ट पुश बटन्स इरुक्कु सो फर्स्ट स्टार्ट पुश बटन इदु रेंडावदु स्टार्ट पुश बटन सो इदु वंदु स्टार्ट पुश बटन्सोड कॉन्टेक्स्ट नार्मला स्टार्ट पुश बटन एप्पडी इरुक्कुम अप्डिना नार्मली ओपन आगे सो नम प्स पड़े क्लोस्ड आगे अभी इतना स्टाप पुश बटन इतनी क्लोस्डा नम प्स पड़े ओपन मारो इत रे अब कॉन्टेक्टर्स थ्री फेस कॉन्टेक्टर्स रेंडु टर्मिनल अब कॉन्टेक्टर्स वो नम सप्ले टर्मिनल्स अदमारी कॉन्टेक्टर के सप्ले टर्मिनल्स रेंडु टर्मिनल्स इतना कॉन्टेक्टर्सो कॉन्टेक्ट्स कॉन्टेक्टो नार्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट इत रो ओके अब रे अब नार्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट मत एलिए नार्मली ओपन अब नार्मली क्लोज्डा करम कॉन्टेक्टो कायल एनर्जेस पड़े इतना अब नार्मली ओपन मारों कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्टा इतने नार्मली क्लोज्ड अब कॉन्टेक्टो कायल एनर्जेस्ट आगे इत वो नार्मली ओपन मारों इतना नार्मली ओपन अब कॉन्टेक्टो कायल एनर्जेस्ट आगे इत क्लोज्डा मारों सो इन पातम कॉन्टेक्ट पातम सो कॉन्टेक्ट्स வந்து சப்ளை கொடுக்கிறதுக்காக இந்த கான்டாக்ட்ஸ்ல இருந்து வயர் எடுத்துருவாங்க டோட்டலா 5 வயர் எடுத்துருவாங்க இந்த Black வயரும் அதே மாதிரி இங்க உள்ள Black வயரும் என்ன அப்படினா சப்ளை கொடுக்கிறதுக்கு இது இந்த 5 ப்ளூ வயர் என்ன அப்படினா கான்டாக்ட்ஸ்க்குள்ள சப்ளை கொடுக்கிறதுக்கு ஓகேயா சோ இப்போ கான்டாக்டர் வந்து எனர்ஜைஸ் பண்றதுக்காக நம்ம சப்ளை இன்புட் சப்ளை கொடுக்கணும் இல்லையா சோ அது 3 ஃபேஸ் சப்ளை நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து 440 வோல்ட் உள்ளது அப்போ இன்புட் சப்ளை 3 ஃபேஸ் சப்ளை ROEB இது வந்து நியூட்ரல் சோ இங்க இருந்தா சப்ளை வந்து கான்டாக்டருக்கு போகும் கான்டாக்டர் எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினல்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ஸ் இது எல்லாமே என்ன அப்படினா कॉन्टेक्टो कॉन्टेक्ट ओके सिंपल कंट्रोल सर्क्यूट सो अंत कंट्रोल सर्क्यूट बड़ी नम्बर वो कनेक्शन को फर्स्ट कंट्रोल सर्क्यूट चेक पड़ी सो फर्स्ट वो इतना अब कॉन्टेक्टो मेन कॉयल एम सरिया सो अब इतना नम्बर मोदे चुनबड़ी इतनी थ्री फेस कॉन्टेक्टर अब 440 वोल्ट को नम्बर अब थ्री फेस बी को अक्रस को फर्स्ट आर इनपुट स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन एम वन अब सीलिंग कॉन्टेक्ट ओके फर्स्ट आर आर इनपुट पड़ो स्टॉप पुश बटनो इनपुट इत वो स्टॉप पुश बटनो आउटपुट अब आर फेस फर्स्ट ये स्टॉप स्टॉप पुश बटनो इनपुट को कनेक्शन पार ओके आर फेस ग्रीन कलर ग्रीन कलर वायर आर फेस इत स्टॉप पुश बटन स्टॉप पुश बटनो इनपुट को नेक्स्ट स्टॉप पुश बटनो आउटपुट पड़ो स्टार्ट पुश बटन की इनपुटा को स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटनो आउटपुट पड़ी स्टार्ट पुश बटनो इनपुट को नेक्स्ट स्टार्ट पुश बटनो आउटपुट पड़ो कायल की इनपुटा कोके पाता अब स्टार्ट पुश बटनो आउटपुट इतना इनपुट कीलिए आउटपुट ओके नम्बर कॉन्टेक्टर एनर्जाइज़ पड़ो करेक्टा कॉन्टेक्टर एनर्जाइज़ पड़क सप्ले टर्मिनल्स ना मोदे चुन रेडो अब स्टार्ट पुश बटनो आउटपुट स्टार्ट पुश बटनो आउटपुट एम को इनपुटा को स्टार्ट पुश बटनो आउटपुट एम को इनपुटा को ओके अतम कायल एम कायलो आउटपुट ये कुछ डेरेक्टा बी फेस को एम कायलो आउटपुट ये कुछ बी फेस को ओके कनेक्शन बुरीदा नेक्स्ट इंम पार एम सीलिंग कॉन्टेक्ट सो सीलिंग कॉन्टेक्ट ये एपी स्टार्ट पुश बटन के पैरल ओके स्टार्ट पुश बटन सो इनपुट अदमारी स्टार्ट पुश बटन के पैरल कॉन्टेक्ट सीलिंग कॉन्टेक्ट अब एम कायल एनर्जेस्ट आने के नम्बर स्टार्ट पुश बटन कई सप्ले वो कॉन्टेक्ट एम ओन सीलिंग कॉन्टेक्ट वे क्लोज आगे अब एम ओन कॉन्टेक्ट रे ब्लैक वायर ओके स्टूडेंट्स दिस इयर टेस्ट लैंप ओके पारें अब टेस्ट लैंप सप्ले फेस वो आर फेस अंतरुद कई वो दिस इयर आर फेस ओके अत पाइंट पारें बल्ब के न्यूट्रल को ओके न्यूट्रल पॉइंट इंत रेड कलर वयर अल्बु को न्यूट्रल इन न्यूट्रल कई वो रेड कलर अब ग्रीन वो फेस आर वो न्यूट्रल सप्ले कंट्रोल सर्क्यूट पाको बल्ब को कंट्रोल सर्क्यूट पाको एपी सप्ले नम चेक पड़ी पाकपर ओके पाती अब रे कॉन्टेक्टर फर्स्ट वो कॉन्टेक्टर नम्बर सप्ले ओके अब सप्ले नार्मली क्लोज ब्राउन कलर नार्मली क्लोज्ड मतलब अब नार्मली ओपन इवेंगे पारें अब नार्मली क्लोज्ड नम्बर कॉन्टेक्टर वो सप्ले अब नार्मली क्लोज्ड पारें बल्ब वो एरी नार्मली क्लोज्ड अब मीदी ब्लैक कलर कॉन्टेक्ट अभी नार्मली ओपन अब टेस्ट लैंप चेक पड़ी पाको
லேம்புக்கு வந்து சப்ளை போகல, ஏன்னா கான்டாக்ட் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது. ஸோ இந்த கான்டாக்டுக்கு வந்து நம்ம இப்போ சப்ளை கொடுக்கல, ஏன்னா அந்த சப்ளை டெர்மினல் பாருங்கள், இதில் எந்த சப்ளையும் கொடுக்கல. இப்போது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, முதல்ல நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் பார்த்தோமா கண்ட்ரோல் சர்க்யூட், அதுபடி இதுக்கு வந்து நம்ம கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கோம், இந்த கான்டாக்டுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஸோ அப்போ கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோன்னா முதல்ல என்ன சொன்னால், இந்த கான்டாக்ட் எனர்ஜி ஆயிருச்சு அப்படின்னா இந்த நார்மலி க்ளோஸ் என்னாயிரும், ஓப்பன் ஆயிரும். இந்த நார்மலி ஓப்பன்லாம் இப்போ எப்படி இருக்கும், க்ளோஸ்டாக இருக்கும். அப்போது செக் பண்ணி பார்ப்போம், இதுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுத்துருக்கோம், அப்போ காயில் எனர்ஜைஸ்ட் ஆயிருச்சு. ஓகேயா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு காயில் எனர்ஜி ஸ்டேஷன் எப்படி பண்ணணும், ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகேயா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டன். ஸோ ஸ்டார்ட் புஷ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கான்டாக்ட் வந்து சீலிங் கான்டாக்ட் வழியாக க்ளோஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, அந்த சீலிங் கான்டாக்ட் தான் அந்த பிளாக் நம்ம சப்ளை கொடுத்து வச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்கும், காயில் எனர்ஜிஸ்ட் ஆயிருக்கும். காயில் எனர்ஜிஸ்ட் ஆயிருச்சுன்னா என்ன அர்த்தம், நார்மலி க்ளோஸ்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆயிருக்கும், நார்மலி ஓப்பன்லாம் க்ளோஸ்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ பிளாக்ல கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ எரியுது. அப்போ என்ன அர்த்தம், இது வந்து க்ளோஸ்ட் ஆயிருச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த ப்ரௌன் கலர் வந்து முதலே சொன்னபடி நார்மலி ஓப்பன், இப்போ காயில் எனர்ஜிஸ்ட் ஆயிருக்கனால இது என்ன ஆயிருக்கும், நார்மலி க்ளோஸ்டு, அப்போ காயில் எனர்ஜிஸ்டாக இருக்கிறதுனால ஓப்பன் ஆயிருக்கும். அப்போ பல்பு செக் பண்ணி பார்க்குறோம், ஸோ எரியலை. ஸோ புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ இதான் என்னென்னா உன்னோட கண்ட்ரோல் சர்க்யூட்.